तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आर बी अ रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, लास्ट वीडियो में बहुत लेंदी हो गया था, ठीक है ना, वहां मैंने समझाया था। अब यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा, लास्ट वीडियो जो बच्चे करके आए, कह रहा आर बी अ रिलेशन ऑन सेट एन क्रॉस एन डिफाइंड बाय ए कॉमा बी रिलेट्स विथ सी कॉमा डी अंडर द रिलेशन आर, एंड व्हाट इज द रिलेशन इफ एंड ओनली इफ। ये जो इफ एंड ओनली इफ के बाद जो लिखा रहता है यही रिलेशन होता है, ठीक है। तो रिलेशन कैसा है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ए को डी से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये देखिए ए को डी से मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो बचा होता है ये और ये, यानी कि बी और सी को जोड़ दिया जाता है, और वो इस इक्वल किसके हो जाता है, बी और सी को मल्टीप्लाई किया जाता है और ब्रैकेट में जोड़ दिया जाता है किसको, ए और बी को, ठीक है। तो ये रहा रिलेशन। कह रहा है चेक वेदर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। हमको चेक करना है ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन दिया हुआ है क्या ये एन क्रॉस एन पे इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस होने के लिए इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले चेक करते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी, कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट रिफ्लेक्सिविटी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, याद है आपको। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं, ठीक है, ए कॉमा बी। तो लेट अस टेक ए कॉमा बी, ये एक एलिमेंट है विच बिलोंग्स टू व्हाट, एन क्रॉस एन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करिए, अगर यही एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो जाए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर यही एलिमेंट खुद से रिलेट हो जाए, यानी कि हमको क्या लाना है, यहाँ पे देखिए आप क्या करते थे रिफ्लेक्सिव के लिए, ए रिलेट्स विद ए करते थे, तो यहाँ पर एलिमेंट ए नहीं है ऑर्डर पेयर टाइप में, ए कॉमा बी रिलेट्स विद ए कॉमा बी, ये आपको दिखाना है। अब देखो ये हम रफ वर्क में यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे हम थोड़ा हिंट ले रहे हैं और वहाँ हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक। अब ए कॉमा बी रिलेट्स विद ए कॉमा बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू व्हाट, एन क्रॉस एन, ठीक। इसके लिए लाना क्या है हमें, ध्यान से चेक करिए, रूल क्या है, रूल है कि ए मतलब ये पहले ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे मेरा मार्कर देखिए, दिस इनटू दिस, तो हम भी यहाँ पे करेंगे दिस इनटू दिस, यानी कि ए इनटू बी, और जो बचा होता है उसको जोड़ देते हैं, यानी कि बी प्लस ए इज इक्वल्स टू, अब क्या करना है, अब वहाँ पे जाके देखो बी इनटू सी इन द ब्रैकेट ए प्लस डी, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है इस बार, यानी कि बी इंटू ए इन द ब्रैकेट ए प्लस बी। तो ऐसा स्टूडेंट कुछ आपको लेके आना है, अगर ऐसा आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब सुनो, अब दिस एम्प्लाइज, हम अपने मन से क्या नहीं लिख सकते हैं, ध्यान से चेक करिए, वहां से हम हिंट भी ले रहे हैं बच्चों, ए इंटू बी इन द ब्रैकेट बी प्लस ए इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इन द ब्रैकेट बी प्लस ए। क्या भाई, ये वाला पार्ट जैसे 2-2 के इक्वल होता है, वैसे ही ए इंटू बी इन द ब्रैकेट बी प्लस ए किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी इन द ब्रैकेट बी प्लस ए के, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, एक ही चीज़ तो है। तो दिस इज इक्वल टू दिस लिख दिया हमने, ठीक है। अब वहाँ से देखते जाओ और यहाँ लिखते जाओ, मतलब ए इंटू बी इन द ब्रैकेट बी प्लस ए इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से चेक करो, यहाँ बी इंटू ए है और यहाँ पर ए इंटू बी है, तो हमको पता है क्या, ए इंटू बी को हम बी इंटू ए भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है a प्लस बी, हमारा क्या है b प्लस ए, तो हम क्या लिख देंगे a प्लस बी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, अच्छा अब इसका रीजन क्या है, आपको पता है a इंटू बी को हम b इंटू ए लिख सकते हैं और b प्लस ए को a प्लस बी लिख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑन नेचुरल नंबर, ठीक है, कम्यूटिविटी ऑफ व्हाट ऑफ एडिशन, ये रीजन आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑन नेचुरल नंबर, मतलब हर नेचुरल नंबर ऐसा कर सकता है क्या कि a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए हो जाए, b प्लस ए इक्वल टू a प्लस बी हो जाए, बस हो गया। अब आप ध्यान से चेक कर लीजिए, अब अगले स्टेप में हमने आपको बोला था अगर ऐसा आ जाए तो ऐसा हो जाता है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज व्हाट कि a कॉमा b इज इन रिलेशन विद a कॉमा b फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, सभी ए कॉमा बी जो एन क्रॉस एन को बिलोंग करते हो उनके लिए ये रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ एन क्रॉस एन दैट इज ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ओके। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, इसको आप कर लीजिए स्टूडेंट। देखिए सिमेट्री प्रूफ करना है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ये हमें प्रूफ करना है। सिमेट्रिक रिलेशन का बच्चों रूल क्या होता था कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन होता था, और ये इंप्लाई कर दे क्या कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन है, फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू व्हाट, सेट a। तो इसका क्या मतलब होता था कि a रिलेट्स विद b, इंप्लाई कर दे क्या कि b रिलेट्स विद a, ये बात होती थी, ठीक।
अब स्टूडेंट देखो यहां पर हम क्या करेंगे, ए की जगह हम देखो यहां पर हम दो एलिमेंट लेके चलते थे ए और बी, ठीक है, बट यहां पर जब एन क्रॉस एन पेयर रिलेशन है तो हम यहां दो एलिमेंट लेंगे, बट वो दोनों ही एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे। मतलब हम सबसे पहले लिखेंगे लेट ए कॉमा बी एंड लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, एंड दूसरा एलिमेंट क्या है सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। जैसे वहां तुम दो एलिमेंट चूज करते थे ना ए और बी, ए रिलेट्स विद बी होता था और उसकी हेल्प से तुम लाते थे बी रिलेट्स विद ए, वही हमने भी किया। हमने यहाँ दो एलिमेंट चूज किए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन और सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, सच दैट अब मैंने तुमको क्या बोला था ये लेके चलो और इसकी हेल्प से ऐसा प्रूफ कर दो, ठीक, मतलब ये लेके चलो इसकी हेल्प से ऐसा प्रूफ कर दो, मतलब पहले एलिमेंट को दूसरे के साथ रिलेशन में रख के चलो और दूसरे को पहले के साथ रिलेशन में दिखा दो, ठीक। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में दिस इंप्लाइज व्हाट कि ए कॉमा बी ये फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड विद सेकंड एलिमेंट सी कॉमा डी अंडर द रिलेशन आर। अब क्योंकि तुमने ऐसा बोल दिया कि ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के साथ रिलेशन में है, इसका क्या मतलब है कि ये वाला एलिमेंट इसके साथ, ये वाला एलिमेंट इसके साथ रिलेशन वाले रूल को फॉलो करता होगा। अब रिलेशन वाला रूल क्या था ए इंटू डी, तो दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं ए इंटू डी इन द ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी इन द ब्रैकेट बी इंटू सी इन द ब्रैकेट ए प्लस डी इन द ब्रैकेट ए प्लस डी, ठीक है स्टूडेंट्स ये आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुको, अब देखो लाना क्या है तुमको, लाना क्या है यहाँ पे ध्यान से चेक करो ए कॉमा बी रिलेट्स विद सी कॉमा डी अंडर द रिलेशन आर, ये तुम लेके चले थे और इसकी हेल्प से तुमको लाना क्या है, लाना है सिमेट्रिक में इसका उल्टा फुल्टा, मतलब सी कॉमा डी रिलेट्स विद जैसे कि बी कॉमा जैसे कि बी रिलेट्स विद ए होता था वैसे सी कॉमा डी रिलेट्स विद ए कॉमा बी, ये तुमको लाना है। अब ध्यान से चेक करो ये तुमको लाना है ठीक। इसका लाने का क्या मतलब है, इसका लाने का मतलब है कि ये वाला एलिमेंट इसके साथ रिलेशन को फॉलो करो, रिलेशन क्या है इसको इससे मल्टीप्लाई करो यानी कि c इंटू बी इन द ब्रैकेट d प्लस ए इन द ब्रैकेट d प्लस ए इज इक्वल्स टू डी इंटू ए यानी कि डी ए इन द ब्रैकेट c प्लस बी। अगर स्टूडेंट ऐसा आ जाए, अगर ऐसा लाने में तुम कामयाब हो गए तो तुम उसको ऐसा लिख सकते हो, अगर ऐसा आ जाए तुम्हारे पास एक इक्वेशन तो इसका मतलब सी कॉमा डी रिलेट्स विद ए कॉमा बी, ठीक है स्टूडेंट। अब सुनो तुम रुके कहाँ थे, यहाँ पे ये लेके चले थे उसकी हेल्प से अभी ये आया, ठीक। अब यहां से ये वाले से चीटिंग करना शुरू करो, कैसे करोगे चीटिंग ध्यान से चेक करो। सबसे पहली बात तो ये है कि LHS जो था उसको RHS में भेज दो, RHS जो था उसको LHS में भेज दो, क्योंकि तुम ध्यान से चेक कर सकते हो बच्चों क्या कि LHS में क्या आ रहा है सी इंटू बी टाइप का और यहाँ पे देखो बी इंटू सी है, तो क्योंकि तुमको पता है अगर x इक्वल्स टू y होता है तो y इक्वल्स टू x भी होता है, तो राइट को लेफ्ट में लेफ्ट को राइट में लिख देंगे हम, तो बी इंटू सी इन द ब्रैकेट ए प्लस डी इज इक्वल्स टू, भाई अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल भी तो होगा ए इंटू डी इन द ब्रैकेट बी प्लस सी, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से चेक करो क्या नेक्स्ट स्टेप है, बहुत ईजी है यार, तुमको c इंटू बी लाना है यहाँ और यहाँ मेरा b इंटू सी है ना, तो b इंटू सी इज इक्वल्स टू वॉट c इंटू बी। अब ध्यान से चेक करो इस ब्रैकेट में d प्लस ए तुम्हारा a प्लस डी है, तो यहाँ तुम d प्लस ए लिख सकते हो इज इक्वल्स टू यहाँ d इंटू ए यहाँ a इंटू डी है, a इंटू डी को तुम d इंटू ए लिख सकते हो इन द ब्रैकेट, वहाँ c प्लस बी है यहाँ b प्लस सी, b प्लस सी को तुम c प्लस बी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीजन भी लिखोगे क्या कि कॉम्यू टिविटी ऑफ एडिशन, ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, कम्यूटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। अब ऐसा आ गया मैंने तुम्हें बोला था अगर ऐसा आ गया तो ऐसा हो जाता है, ठीक। तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि सी कॉमा डी रिलेट्स विद व्हाट ए कॉमा बी अंडर द रिलेशन आर फॉर ऑल For all a comma b and c comma d belongs to the set of n cross n। तो लेके क्या चले थे बच्चों कि ये देखो ये first element relate with second था, for all first and second element belong to n cross n, आ क्या गया second element belongs to second element relate with first, for all first and second element belongs to n cross n, तो ये लेके चले थे और ऐसा आ गया, hence it is also symmetric। तो नीचे लिखेंगे this relation is symmetric।
फ्रेंड अब हमको इसकी ट्रांसटिविटी चेक करनी है कि ये रिलेशन ट्रांसटिव है कि नहीं, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव के लिए भी क्वालिफाई हो गया, सिमेट्रिक के लिए भी, अगर ये ट्रांसटिव भी हो गया तो ये रिलेशन एन क्रॉस एन पे कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो ट्रांसटिविटी के लिए स्टूडेंट आप क्या करते थे, ए बी सी तीन एलिमेंट लेते थे, याद है ए बी सी तीन एलिमेंट लेते थे वहाँ पर। आप वहाँ पर क्या करते थे कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू द गिवन सेट, वहाँ गिवन सेट ए या नेचुरल नंबर जो भी होता होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम तीन एलिमेंट लेंगे, लेकिन तीनों ही एलिमेंट कौन से फॉर्म में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप, ऑर्डर्ड पेयर टाइप में। तो ए कॉमा बी ये पहला एलिमेंट है, हम लिखेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, फिर दूसरा एलिमेंट आप लोगे ए कॉमा बी, और उसके बाद दूसरा एलिमेंट लो आप ए बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, और तीसरा एलिमेंट लो आप ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। यहाँ आपने तीन एलिमेंट चूज किए, ठीक है स्टूडेंट। अब वहाँ आप क्या करते थे कि ए कॉमा बी, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आप लेके चलते थे, साथ में ही आप बी कॉमा सॉरी ट्रांजिटिव में देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन लेके चलते थे आप, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन लेके चलते थे आप, और इसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से आप क्या प्रूफ कर देते थे कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू वॉट रिलेशन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक उसी तरीके से आप यहां पर क्या करोगे, अच्छा एक चीज और स्टूडेंट देखना, इस बात का क्या मतलब है, देखो मैं यहां छोटा सा लिख रहा हूं कि ए रिलेट्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ए रिलेट्स विद बी, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन मतलब बी रिलेट्स विद सी अंडर द रिलेशन आर। और इसकी हेल्प से लाते क्या थे तुम कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन का क्या मतलब है, A relates with C under the relation R, यही लेके आते थे। तो ध्यान से चेक करो, यानी कि तुम इसको लेके चलते थे क्या कि पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है और दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, ये तुम मान के चलते थे, और इसकी हेल्प से क्या प्रूफ कर देते थे कि पहला तीसरे से रिलेटेड है ना, एक A C से रिलेटेड। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे क्या, ये रहा आपका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक, ये रहा आपका सेकेंड एलिमेंट, ठीक, और ये रहा आपका थर्ड एलिमेंट। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, दिस इंप्लाइज या लेट हम मान के चल रहे हैं क्या कि ए कॉमा बी, ये देखो फर्स्ट चेक करो, फर्स्ट एलिमेंट इज इन रिलेशन विद सेकंड, तो लेट अस से फर्स्ट एलिमेंट रिलेट्स विद सेकंड, एंड सेकंड एलिमेंट रिलेट्स विद थर्ड एलिमेंट अंडर द रिलेशन आर। ठीक है बच्चों, तो अब जब तुमने दिस इंप्लाइज, अब जब तुमने बोली दिया है कि ये इससे रिलेट करता है एंड ये इससे रिलेट करता है, ठीक है बच्चों, तो ध्यान से चेक करो, ये एलिमेंट अगर इससे रिलेट करता है तो ये रूल को फॉलो करेगा। रूल क्या है, दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस, यानी कि ए इंटू डी इन द ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, अब इतना पोर्शन सॉल्व कर रहा हूं बस, इज इक्वल्स टू वॉट, बी इंटू सी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी इन द ब्रैकेट ए प्लस डी, ए प्लस डी एंड लगा है तुम भी एंड लगा दो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर, ये इस रूल को फॉलो करेगा, करवा दो, सी इंटू एफ सी इंटू एफ इन द ब्रैकेट डी प्लस ई इन द ब्रैकेट डी प्लस ई इज इक्वल्स टू डी इंटू ई इन द ब्रैकेट सी प्लस एफ इन द ब्रैकेट सी प्लस एफ। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों चीजें आ गई। अब यहां स्टॉप करो, स्टॉप करने के बाद सोचो तुमको लाना क्या है, तुमको प्रूफ करना है कि पहला एलिमेंट तीसरे से रिलेट कर जाए, ये चीज़ है ना, और तुम्हारे पास पहला एलिमेंट क्या है, ये क्या है ए कॉमा बी रिलेट कर जाए किससे, तीसरा एलिमेंट क्या है ई कॉमा एफ से, यही तुमको लेके आना है किसी तरीके से, किसकी किसकी हेल्प लेके, इसकी और इसकी हेल्प लेके तुम्हें ऐसा लाना है। ऐसा लाने का मतलब है कि ए इंटू एफ इन द ब्रैकेट बी प्लस ई ए इंटू एफ इन द ब्रैकेट बी प्लस ई इज इक्वल्स टू बी इंटू ई, यानी कि बी ई इन द ब्रैकेट ए प्लस एफ इन द ब्रैकेट ए प्लस एफ। ठीक है बच्चों, अगर तुम ऐसा लाने में कामयाब हो गए, ध्यान से चेक कर लो, अगर ऐसा लाने में कामयाब हो गए, ऐसी कोई इक्वेशन अगर तुम्हारे पास आ गई, तो तुम तुरंत बोल सकते हो कि क्या ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो पहला किसके साथ रिलेशन में आ जाएगा, तीसरे के साथ, और तुम बोल सकते हो कि ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर a प्लस डी मल्टीप्लीकेशन में है, इधर भेजोगे डिवाइड में आ जाएगा, तो ध्यान से चेक करिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ad अपॉन a प्लस डी हो जाएगा। इसी तरीके से इधर bc है, ठीक,
ये बी सी ए भी बचा हुआ है इधर, और बी प्लस सी इधर मल्टीप्लीकेशन में था, उधर भेजोगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया ऐसा, कोई दिक्कत बताओ। ए प्लस डी को ए डी के नीचे भेजा, इसी तरीके से बी प्लस सी को बी सी के नीचे भेजा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, और इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ध्यान से चेक करो बच्चों, ए डी के पास ए प्लस डी वाले टर्म को लाना है और बी सी के पास बी प्लस सी वाले टर्म को लेके आना है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे भी आप समझ रहे होंगे क्या कि देखो सी यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपके पास एल एच एस में, सी इंटू एफ लिखा हुआ है, सी इंटू एफ लिखा हुआ है, तो सी इंटू एफ के नीचे आप सी प्लस एफ को ले आओ, भाई डी ई के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई में ना, तो नीचे आएगा इधर डिवाइड हो जाएगा, सी प्लस एफ इज इक्वल्स टू, अब उधर क्या लिखा हुआ है, उधर है आपके पास डी इंटू ई, तो ये पूरा इधर भेजो तो डिवाइड में हो जाएगा डी प्लस ई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब सुनो बच्चों, जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि अगर आपके पास x अपॉन y इज इक्वल्स टू m अपॉन n हो, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या लिख सकते हो, x अपॉन y को आप y अपॉन x इज इक्वल्स टू m अपॉन n को n अपॉन m, मतलब आप बोथ साइड रेसिप्रोकल कर सकते हो, इसको y अपॉन x कर सकते हो, इसको n अपॉन m कर सकते हो। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम करेंगे स्टूडेंट्स, ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें बोथ साइड हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू यहाँ पर b प्लस सी अपॉन बी सी, एंड अब यहाँ पे ध्यान से चेक करो, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या हो जाएगा, c प्लस एफ अपॉन सी इंटू एफ इज इक्वल्स टू डी प्लस ई अपॉन डी इंटू ई, इतना हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, प्लस वाले टर्म से स्प्लिट कर देंगे टू पार्ट्स में, स्प्लिट करने का मतलब समझो बच्चों, ध्यान से चेक करो, ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, स्प्लिट करने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कहीं 2 प्लस 3 अपॉन 6 लिखा हो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 अपॉन 6 प्लस 3 अपॉन 6, ऐसे कर सकता हूँ ना, 6 को इसको भी दूंगा और इसको भी दूंगा। ठीक, तभी तो आप कैंसिल करोगे, 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 3 वन ज़ा 3 2 ज़ा। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से ध्यान से चेक करिए, मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे एक नंबर लिखा है a इंटू डी, एक नंबर जैसे यहाँ 6 लिखा हुआ था ना, वैसे यहाँ पे a इंटू डी एक नंबर लिखा है, तो ये प्लस वाले साइन से मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन ए डी प्लस डी अपॉन ए डी। ओके स्टूडेंट्स, ये जो ए डी है a के नीचे भी जाएगा, फिर बीच में प्लस लगाएंगे और d के नीचे भी जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ से स्प्लिट करो प्लस वाले साइन से, तो b अपॉन बी सी और प्लस c अपॉन बी सी। ठीक है, एंड अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे भी स्प्लिट कर दो यहाँ प्लस वाले साइन से, तो c अपॉन सी एफ प्लस f अपॉन सी इंटू एफ इज इक्वल्स टू d अपॉन डी इंटू ई प्लस e अपॉन डी इंटू ई, बहुत ईजी है। ठीक है, अब तो बड़ा मज़ा आएगा, आपको काटना है बस, a से a गया, d से d गया, b से b गया, c से c गया। ठीक है बच्चों, C से C कैंसिल हो गया, F से F कैंसिल हो गया, D से D कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इतना आप बच्चों कॉपी कर लीजिए, मुझे यहाँ पर जगह चाहिए होगी सॉल्व करने के लिए, इतना कॉपी करिए। तो ये बचा 1 अपॉन D, ठीक है, 1 अपॉन D और प्लस क्या बचा, 1 अपॉन A, 1 अपॉन A इज इक्वल्स टू यहाँ बचा 1 अपॉन C, ठीक है, 1 अपॉन C प्लस यहाँ बचा 1 अपॉन B, 1 अपॉन B ये बचा। ठीक है बच्चों, लेट अस से कि इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, एंड साथ में एक और इक्वेशन बनेगी, यहाँ से सी से सी कटा 1 अपॉन एफ, ठीक है, तो 1 अपॉन एफ और प्लस 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई और प्लस 1 अपॉन डी। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो कैसे ऐड करेंगे, LHS को LHS में ऐड करेंगे, RHS को RHS में ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए करते हैं, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन का LHS ये रहा, तो 1 अपॉन डी और प्लस 1 अपॉन ए LHS में, सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के LHS में सेकेंड इक्वेशन का LHS ऐड करेंगे, यानी कि प्लस 1 अपॉन एफ और प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू, अब बीच में इक्वल लगाएंगे और RHS को RHS में ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस यहाँ पे RHS क्या है, 1 अपॉन ई और प्लस 1 अपॉन डी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ 1 अपॉन सी पॉजिटिव का है, यहाँ भी 1 अपॉन सी पॉजिटिव का है, तो ये कैंसिल है, क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्यों इसको उधर ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा ना, कट तो जाएगा ही,
इसी तरीके से और कुछ कट रहा है, यस, वन अपॉन डी इधर पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, आपके पास बचा है वन अपॉन ए प्लस का है, तो वन अपॉन ए प्लस तो लगाएंगे नहीं आगे, प्लस वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा आपके पास, वन अपॉन बी और प्लस वन अपॉन ई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो यदि आप एलसीएम ले लेंगे ए इंटू एफ आएगा नीचे, ए इंटू एफ, यहाँ पे एफ और यहाँ पे ए, यानी कि क्या बचेगा एफ प्लस ए, एफ प्लस ए इज इक्वल्स टू नीचे बचेगा बी इंटू ई और ई प्लस बी, ई प्लस बी। इसको ऐसा ब्रैकेट में रखो, इसको भी ब्रैकेट में रखो। अब आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मुझे जगह की ज़रूरत होगी, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चेक करिए, b इंटू ई को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, b इंटू ई इन द ब्रैकेट, b इंटू ई इन द ब्रैकेट f प्लस ए इज इक्वल्स टू a इंटू एफ, यानी कि ए एफ इन द ब्रैकेट e प्लस बी, ई प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा आ गया। ठीक, अब एक काम करिए, क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि x इज इक्वल टू y है तो y इज इक्वल टू x, तो ये वाला पोर्शन लेफ्ट में, तो a इंटू एफ इन द ब्रैकेट e प्लस बी इज इक्वल्स टू b इंटू ई और इन द ब्रैकेट f प्लस ए। अब हमेशा मैं रफ वर्क में चीटिंग रखता हूँ कि लाना क्या था, यही लाना था, ध्यान से चेक करो, a इंटू एफ इन द ब्रैकेट, यहाँ पे b प्लस ई आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, a इंटू एफ इन द ब्रैकेट e प्लस बी को हम b प्लस ई भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू क्या लाना था, b इंटू ई लाना था, तो b इंटू ई लाना था, इन द ब्रैकेट a प्लस एफ लाना था, यहाँ f प्लस ए है जिसको हम a प्लस एफ भी लिख सकते हैं, और यहाँ हम लिख देंगे फर्दर क्या, कम्यूटेटिविटी ऑफ लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑन नेचुरल नंबर, ये हम लिख देंगे जैसा हम हर बार लिखते हैं, इस बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा बस बच्चों। अब यही लाना था, ठीक, ये लाने का मतलब है क्या कि ऐसा हो गया, बस ऐसा हो गया, मतलब a कॉमा बी इज इन रिलेशन विद e कॉमा एफ फॉर ऑल, फॉर ऑल, फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n एंड e कॉमा एफ एंड फॉर ऑल, हाँ, e कॉमा एफ बिलोंग्स टू n क्रॉस n। ठीक है स्टूडेंट, अब आप ध्यान से चेक करिए, जब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था तो हमने ऐसे स्टार्ट किया था, याद है कि पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड था और वही दूसरा वाला तीसरे से रिलेटेड था, यही दूसरा वाला तीसरे से रिलेटेड था, ठीक, यही तो होता था, ए बी एम, ए अगर बी से रिलेट करे और बी अगर सी से रिलेट करे और इसकी हेल्प से अगर ए सी से रिलेट करे, ऐसा अगर आ जाए तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो हो तो गया, फर्स्ट सेकेंड से रिलेटेड था, सेकेंड थर्ड से रिलेटेड था, और हमने इसकी हेल्प लेके फर्स्ट को थर्ड से रिलेटेड दिखा दिया। ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट ये रहा, इसको हमने सेकंड से, सॉरी थर्ड से रिलेटेड दिखा दिया, हैंस दिस इज आल्सो ट्रांजिटिव। ओके बच्चों, तो दिस रिलेशन इज बिकॉज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एज वेल एज सिमेट्रिक, हैंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सो द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। कर लीजिए, जाते जाते आपको मैं ये होमवर्क एक दे के जा रहा हूँ, ठीक है, सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, और अगर आपने बच्चों ये जो पिछली लास्ट चार क्लासेस करी हैं, अगर ये आपने अच्छे से करी होंगी तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली बना लोगे, ठीक है, और ये क्वेश्चन अच्छा खासा आता होगा मेरे ख्याल से, लॉन्ग आंसर टाइप में आता होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुन लीजिए, लेट सेट ए इज इक्वल्स टू, ए सेट में नाइन एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ मैंने डॉट डॉट लगा दिया, बीच के एलिमेंट्स नहीं लिखे, आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए क्रॉस ए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आर रिलेशन एन क्रॉस एन पे होता था, वैसे यहाँ आर रिलेशन है ए क्रॉस ए पे, और डिफाइंड बाय कि ए कॉमा बी, डिफाइंड बाय ए कॉमा बी रिलेट्स विद सी कॉमा डी अंडर द रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, मतलब अंडर द रिलेशन दिस, रिलेशन क्या है यहाँ, वही वाला जो आपको पढ़ाया था ए प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, इसके पहले के जो पहले क्वेश्चन कराया था, मतलब इसकी पिछली वाली वीडियो में, वीडियो नंबर 8 में, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, कह रहा फॉर ऑल ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑल्सो आपको प्रूव करना है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2.5 एलिमेंट की आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। ठीक है, प्रूव करिए, क्लास निकालिए, आंसर मैंने लिख दिया है, 2.5 की इक्विवेलेंस क्लास ये आएगी आपके सामने। ठीक है, 1.4 2.5 3.6 4.7 5.8 6.9 इतने ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि ध्यान से चेक करिए,
जो हमने पहले क्वेश्चन करते थे उसमें रिलेशन n क्रॉस n पे होता था, तो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते थे, तो यहाँ 2.5 के भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नेचुरल नंबर का सेट नहीं है, डेफिनेट सेट है, इसमें केवल 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसकी जो इतिहास क्लास आएगी उसमें लिमिटेड एलिमेंट ही होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आशा करते हैं ये आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आएगा, आया होगा।